हे गाइस, तो आज हम बनाएंगे ये हाउस। और ये हाउस हम लोग बनाएंगे HTML और CSS के साथ। और ये हम लोग मतलब ड्रॉ करने वाले HTML और CSS में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने house.html बना लिया और उसको मैंने अपने ब्राउज़र पे भी ओपन कर दिया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि मेरे पास वो इमेज है जो हम लोग को बनानी है, तो मैं बता देता हूँ मतलब हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। तो मतलब जैसे कि ये बस हम लोग डिव्स यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मतलब ये एक डिव है, ये एक डिव है, ये एक डिव है, और ये दोनों ही एक डिव है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत इजी हाउस है। और बाद में हम लोग ऐसे डिफ़िकल्ट बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि अभी हाउस बना रहे हैं और एकदम अच्छा बन गया, तो हम लोग ये सीरीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और बनाने के लिए यहाँ पे मतलब एक डिव ओपन कर लूँगा। और डिव को मैं क्लास दे दूँगा, तो यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ हाउस, ठीक है। हाउस मैंने क्लास दे दिया इसको। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और एक डिव ओपन करूँगा। और यहाँ पे डिव पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डिव में क्लासिफाई कर देते हैं इसको, मतलब ये कर देते हैं कि कौन से डिव होंगे। तो सबसे पहले तो एक ये डिव होगा, ये डिव होगा, दूसरा तीसरा ये डिव होगा, चौथा ये डिव होगा, पाँचवा छठवा, और ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो उसका वाइट वाला लेयर है मतलब ये जो हम लोग देख सकते हो ऐसा ये कुछ है, तो हम लोग मतलब जो उसका ऐसा एक है हाउस का एक ऐसा शेप है, ठीक है, तो वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बस इसको जो मतलब जो डिव है उसको पहले हम लोग मतलब क्लास दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं उसको क्लास, ठीक है। तो उसको कुछ ऐसे लेयर की तरफ मतलब दे देते हैं, जैसे कि ये कोई है वाइट लेयर, तो ये हमारा फ्रंट लेयर है, तो यहाँ पे मैं फ्रंट दे देता हूँ, मतलब एकदम ही फ्रंट लेयर, ठीक है। और कुछ भी नाम दे सकते हैं, अभी मैंने फ्रंट लेयर दे दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और स्टाइल देना होगा अभी हम लोग को, तो पहले स्टाइल ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं पहले तो ये डाल दूँगा पैडिंग 0, फिर वापस हमारा जो मार्जिन है वो भी 0, और जो हमारा बॉक्स साइजिंग है वो होगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये हम लोग ने दे दिया। और अभी मैं क्या करूँगा, ये जो हम लोग का टिव है उसको हम लोग पहले तो क्लास दिया हुआ है, तो फ्रंट लेयर दे देते हैं, तो फ्रंट लेयर, ठीक है। तो फ्रंट लेयर मैंने दे दिया। और मैं यहाँ पे मतलब क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पहले तो बैकग्राउंड जो कलर है वो हम लोग दे देंगे इसको वाइट, ठीक है। तो ये वाइट एकदम वाइट है। और उसके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा ग्रेश है, तो हम लोग का मतलब हम लोग का जो बॉडी होगा वो थोड़ा ग्रेश होगा। तो यहाँ पे मैं बॉडी को बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हम लोग का हो जाएगा ग्रे, ठीक है। तो ग्रे, ठीक है, तो एकदम भी ग्रे नहीं है। तो यहाँ पे गेंस बोरो करके मेरे को लग रहा है वैसा कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गेंस बोरो ही कलर है, और मैंने यहाँ पे मतलब एकदम सेम कलर लग रहा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये फ्रंट लेयर वाइट दे दिया। और यहाँ पे हम लोग इसका विड्थ और हाइट दे देंगे, तो यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ अभी के लिए 200 pixels, और यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं इसको हम लोग 200। यहाँ पे कुछ ऐसा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ चुका है, और ये स्क्वायर को हम लोग को पहले सेंटर में लाना होगा। तो मैं बॉडी को सेंटर में मतलब ये जो लेयर है उसको मैं सेंटर में नहीं करूँगा, यहाँ पे जो हम लोग का हाउस है उसको ही हम लोग सेंटर में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं हाउस करता हूँ, ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाउस ओपन कर लिया है। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये जो हम लोग का मतलब टॉप से इसको ये कर लूँगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं टॉप 50%, और लेफ्ट भी हम लोग दे देते हैं 50%। सेव करते हैं इसको, रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आ गया है, और थोड़ा सा हम लोग को टॉप कम करना होगा, ठीक है। तो टॉप एकदम 40 एकदम अच्छा मतलब सेम लग रहा है। और यहाँ पे मैं 40 दे देता हूँ, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो 40 मैंने दे दिया, और एकदम प्रॉपर लग रहा है, शायद एकदम भी सेंटर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा मैं और
और जो हम लोग कभी क्या करेंगे, हम लोग को जैसे कि मैं इमेज में दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ शेप लाना है। तो ऐसा कुछ शेप हम लोग कैसे ला सकते हैं, मेरे को क्या लगता है, यहाँ पे हम लोग क्लिप पाथ यूज़ करते हैं, और क्लिप पाथ हम लोग को मतलब अच्छा फ़ायदा भी रहेगा। यहाँ पे मैं क्लिप पाथ ले लेता हूँ बेनेट फेली का, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे और ठीक है, तो हम लोग हेक्टागॉन नहीं तो पेंटागॉन ले लेते हैं। तो पेंटागॉन एकदम ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर हम लोग ये जो कॉर्नर है ये कुछ ऐसा कर दे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पास में ले लेता हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये किया, और ऐसे ही मैं इधर का करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, नहीं तो हम लोग इसको नॉर्मल पीछे ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि इधर इससे भी लग ही रहा है। और हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने बना लिया, और यही हम लोग इसको क्लिप पर जो है ये कॉपी कर लेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँ जो फ्रंट लेयर है, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक करते हैं कैसा है, ठीक है। तो हमारा शेप अपना बन चुका है, और मतलब शेप में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, शायद मैंने गलती से कुछ और कर दिया। तो हम लोग रीलोड करके इसको वापस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बस पेंटागॉन लूँगा मैं, इधर ले लूँगा, और इसको भी इधर ले लूँगा, ठीक है। तो अभी कोई गड़बड़ नहीं है, और अभी इसको कॉपी करते हैं और इधर डाल देते हैं, ठीक है। तो सेव करता हूँ मैं और रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का अभी प्रॉपर शेप आ चुका है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब अभी क्या बाकी है, जैसे कि अभी ये छोटा बड़ा सा है, और ये हम लोग का कुछ छोटा है, तो हम लोग इसको बस विड्थ और हाइट बढ़ा देंगे। जैसे कि इसमें मैं कर देता हूँ 300, और इधर भी अगर मैं 300 करता हूँ, ठीक है। तो 300 300 कुछ ऐसा आ रहा है, और हम लोग को शायद 400 400 400 लेना होगा, नहीं तो हम लोग 250 ले लेते हैं, और 250 बेस्ट होगा हमारे लिए। और 250 सेव करता हूँ मैं, रीलोड करता हूँ, तो ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, और अभी मैं क्या करूँगा, इसको इधर लाना, तो वो शायद हम लोग का मतलब साइज़ बढ़ा दिया, तो इसीलिए वो टॉप और ये हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और शायद मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी हाउस को दिया है, तो मेरे को हाउस को टॉपर वो सब नहीं देना चाहिए। हम लोग बस यहाँ पे जो ये है टॉपर, इसको हम लोग फ्रंट लेयर को दे देंगे, और ठीक है। अभी सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, और मैं क्या करूँगा, जो पोजिशन एब्सोल्यूट है वो हम लोग दे देते हैं इसको, सेव करते हैं और रिलोड करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे हमारा, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे कि अभी पोजीशन नीचे आप सल्यूट दिया, तो यहाँ पे रिलेटिव दे देंगे, रिलोड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, और जो हम लोग करेंगे वो है टॉप, नहीं तो हम लोग इसको बस ऐसे ही निकाल सकते हैं। और टॉप हम लोग पहले तो सेव करके देख लेते हैं, तो इधर है, तो टॉप हम लोग कम कर देंगे, जैसे कि 20% कर देता हूँ मैं, और 20% हो गया। और मैं क्या कर दूँगा, इसको मतलब लेफ्ट थोड़ा ये कर लूँगा, तो इसको भी अगर मैं 20% करता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही चला गया, हम लोग कर देते 30 30 भी कुछ है, 40 करता हूँ तो ज़्यादा आ जाए, हाँ ठीक है। तो पहले तो ये कुछ हम लोग को क्या करना होगा, ऐसा करना होगा, और इससे मैं टॉप 30 देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जूम आउट नहीं किया था, इसीलिए वो अजीब दिख रहा था, 35, ठीक है। 35 मैंने दे दिया, और यहाँ पे एकदम अच्छे से आ गया है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैंने जूम आउट करके देखा, मैंने जूम इन किया हुआ था, इसीलिए थोड़ा अजीब दिख रहा है अभी। तो हम लोग बस अगर यहाँ पे इसका विड्थ 400 400 कर दे तो अच्छा होगा, सेव करता हूँ, रिलोड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आ गया हमारा, और इसी को हम लोग क्या करेंगे अभी 300 करके देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने 300 कर लिया इसको, और इसको हम लोग कर देते 30, ठीक है। टॉप 30 कर लिया, और ये जो हम लोग का लेफ्ट है वो भी होगा 30 30, ज़्यादा हो गया, तो 35 चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 35 कुछ ऐसा आ रहा है, तो थोड़ा मतलब पास आ रहा है, 37 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सेंटर में इसको ला दिया, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वो जो जैसे कि ये है, ये जो हम लोग का ये है, नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, डोर डाल देंगे। और मैं क्या करता हूँ, मैं ना डोर और ये सब डालने से पहले ये जो नीचे का गराज टाइप है कुछ वो डाल देता हूँ। तो वो कैसे डालेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जाऊँगा मैं, और
फ्रंट लेयर तो हम लोग कुछ नहीं डालना अंदर, तो हाउस के यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे बेस, ठीक है। तो बेस हम लोग इसको बुला सकते हैं, तो बेस, और सेव करता हूँ मैं इसको, और बेस हम लोग का नीचे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेस के अंदर डॉट बेस, ठीक है। तो डॉट बेस मैंने किया, और यहाँ पे हम लोग पोजिशन दे देते हैं वापस एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ इसको विड्थ। तो विड्थ हम लोग थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, जैसे कि 500 पिक्सल्स, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे विड्थ अगर 300 है, यहाँ पे देखो यहाँ से थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग इसको 500 कर देते हैं। और हाइट जो होगी, हाइट हम लोग कर देते हैं इसको, मतलब 50 पिक्सल हाइट करके देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो इसको बैकग्राउंड कलर है, इसको हम लोग दे देंगे ग्रीन है, तो ग्रीन जैसा कुछ दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं इसको लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन एकदम ही लाइट हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया कि बेस्ट शेड्स ऑफ ग्रीन, तो मेरे को क्या लग रहा है लाइम ग्रीन एक बेस्ट शेड होगा, और लाइम यहाँ पे हम लोग लाइम ग्रीन डालते, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे रिलोड करते हैं। यहाँ पे देखो लाइम ग्रीन एकदम मतलब लग रहा है उसकी तरह, इसकी तरह तो लग ही रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं हम लोग नीचे डाल देंगे। तो हम लोग बस अभी क्या करेंगे, पोजिशन आपसे रिलोड डाला हुआ है, तो टॉप हम लोग दे देंगे इसको 30%। ओके, मैंने गलती से उसको रोटेट कर दिया, पहले मैं क्या करूँगा इसको रोटेट से हटा दूंगा, मतलब वापस, ठीक है। अभी मैंने कर दिया अभी नॉर्मल इसको, और अभी इसको हम लोग करते हैं, और ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, तो 30 की जगह 50 देते हैं, रीलोड करते हैं, कुछ थोड़ा और देना होगा, जैसे कि 80, सेव करते हैं इसको, रीलोड करते हैं, तो 80 ज़्यादा हो गया, 70 मेरे को लगता है एकदम ये होगा, ठीक है। तो 70 है, और 70 हम लोग बस इधर ऐसे ही डाल देंगे इसको, यहाँ पे बस लेफ्ट हम लोग को बढ़ाना है, तो जैसे कि लेफ्ट हम लोग कर देते 30%, रीलोड कर दो। यहाँ पे देखो 30% मैंने डाला, और एग्जैक्ट ऐसा आ चुका है हमारा। और मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे, मतलब जो क्या जो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको, मतलब जो हम लोग का टॉप है उसको मैं बस 72 कर देता हूँ, और यहाँ पे रीलोड कर दो। तो यहाँ पे देखो 71 करना होगा, क्योंकि वो वाइट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एकदम परफेक्ट आ चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो हम लोग का मतलब ये हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट में कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग पहले डोर कर देते हैं, नहीं तो ये जो विंडोज़ है, विंडोज़ इजी है, तो विंडोज़ कर देते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और ये हम लोग का मतलब बेस हो गया। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे मैं डिव डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास विंडोज़, ठीक है। तो विंडोज़ मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विंडोज़ लिखा तो डॉट विंडोज़, ठीक है। तो विंडोज़ मैंने दे दिया, और इसको ओपन करते हैं हम लोग। और अभी मैं क्या करूँगा, मतलब चार विंडोज़ बनाने, तो हम लोग ऐसे ही दे देंगे कि विंडोज़ 1, यहाँ पे भी 1, तो ऐसे मैं 4 कर देता हूँ, तो विंडोज़ 2 कर दूंगा इसको, विंडोज़ 3, विंडोज़ 4, ठीक है। तो ये 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 मैंने कर दिया, पहले हम लोग विंडो 1 कर लेते हैं, मतलब विंडो 1 कर दिया तो वैसे ही करना है अभी, बस थोड़ा लेफ्ट नहीं तो टॉप कम करना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो विड्थ है और जो हाइट है वो मैं 50-50 पिक्सल कर देता हूँ, क्योंकि 50-50 पिक्सल मेरे को एकदम लग रहा है, और वो स्क्वायर भी है इसीलिए, तो 50-50 पिक्सल्स, ठीक है, सेव किया मैंने। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा बेस्ट शेड्स ऑफ येलो, ठीक है। तो येलो अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास थोड़े अच्छे कलर्स आ जाएंगे येलो के, तो मैं एक चूज़ कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने कलर्स देखे लेकिन मेरे को कोई अच्छा नहीं लगा, तो मैं कलर हंट पे ही आ गया, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इसको रीलोड, मतलब सेव करके रीलोड करता हूँ मैं, ठीक है। तो रीलोड किया, और यहाँ पे कुछ हमारा ये ऐसा आ गया, और हम लोग को यहाँ पे डालना है वो। और ये कलर हंट मैं अभी रख देता हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ लगने वाला है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 50-50 पिक्सल जी है, तो अभी सबसे पहले हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट डाल देंगे, पोजीशन
2 मिनट, पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है पोजिशन एब्सोल्यूट डाल दिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, टॉप इसको दे देते हैं 40%। अगर मैं टॉप देता हूँ, रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे देखो 40% यहाँ पे आ गया है। तो इसको हम लोग बस 50 कर देते हैं, 450 नहीं 50, और रीलोड करते हैं। यहाँ पे देखो ये हम लोग को बस यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए हम लोग बस लेफ्ट यूज़ कर लेंगे, तो लेफ्ट में अभी 50% देख के चेक करता हूँ, ठीक है। तो 50% यहाँ पे कुछ आ गया। और अगर हम लोग इमेज से देखें तो हम लोग का कुछ इधर है, तो हम लोग 50% से अच्छा यूज़ कर लेंगे 40%, और 40% बहुत पीछे ही आ गया। 45 चेक करते हैं, नहीं तो 46, ठीक है 47, ठीक है। तो 47 मेरे को लग रहा है, और मैं क्या करूँगा, 40 है ना, 46 दे दूँगा। और थोड़ा हाइट और हम लोग ये वापस कम कर देते हैं, जैसे कि 40, और इधर भी 40। सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग बस लेफ्ट इसको 50 कर सकते हैं, कि 50 ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग मैंने कर लिया, और मतलब सेम ही रहने दिया इसको। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का मतलब विंडो वन है, तो हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे। अभी विंडोज़ वन विंडोज़ टू किया मैंने, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डाल देता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और इसको हम लोग कर देते हैं 2, इसको हम लोग कर देते हैं 3, ये कुछ तो आ गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 4, ठीक है। तो ऐसे मैंने कर दिया। और हम लोग जो विंडोज़ 2 है, विंडोज़ 2 इसको करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ़्ट है इसका बढ़ा देंगे, जैसे कि 50 कर देंगे। और ये भी, ये जो हम लोग का मतलब विंडोज़ 3 है, तो ये एकदम सेम रहेगा विंडोज़ 1 से सेम रहेगा, बस टॉप ज़्यादा हो जाएगा। लाइक मैं कर दूँगा इसको 40 55, और विंडोज़ 4 हमारे विंडोज़ 2 से सेम रहेगा, तो इसको मैं कर दूँगा, पहले तो हम लोग इसको है ना टॉप 45, मैं 55 कर दूंगा। और जो लेफ्ट है हम लोग इसको बढ़ा देंगे 50 पे, ठीक है। तो सेव करता हूँ मैं, और रीलोड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया है, और ये मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि हम लोग को पैडिंग भी देना होगा, नहीं तो हम लोग ज़्यादा टॉप दे के कर सकते हैं, लेकिन मतलब पैडिंग दे के, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, और लेफ्ट 51 पे रखा है, तो ये भी हमारा 51 पे होगा, ठीक है। तो ये 51 पे हो गया, और मैं क्या करूँगा, इसको भी बढ़ा दूंगा, तो 47 कर देते हैं, और इसको भी 47। और अभी हम लोग क्या करना है, जो ये हम लोग का ये नीचे का है, उसको बस हम लोग टॉप 56 देते हैं, और इसको भी 56 देते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो शायद ये नहीं हो रहा, तो मैं अगर 50 मतलब ज़्यादा दे के चेक करता हूँ कि ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को शायद ज़्यादा ही देना होगा, तो अगर मैं 60 देता हूँ, और इधर भी 60 देता हूँ, तो ये यहाँ पे देखो हम लोग के आ गए हैं, और ये कुछ एकदम ऐसा ही लग रहा है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डोर बना देंगे। तो डोर हम लोग कैसे बनाएंगे, डोर हम लोग इजीली बना देंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे है ना, पहले यहाँ पे मैं स्पेस कम कर देता हूँ इनकी, थोड़ा अच्छा लगेगा, और इधर भी स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस कम कर दी है, और अभी मैं क्या करूँगा, डोर इसके ऊपर बना दूंगा। तो यहाँ पे डिफ क्लास दे देंगे इसको हम लोग डोर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डोर 1 दे दिया, मतलब डोर है, तो डोर 1 ही है हमारा, और ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे बस इसको क्या करना है, यह पहले स्पेस कम कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा मैं डॉट डोर, इसको ओपन किया, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, और डोर के यहाँ पे मैं ना पहले इसका विड्थ 50 करता हूँ, पिक्सल्स 50 पिक्सल्स। और अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हाइट है वो ज़्यादा कर देंगे 50 पिक्सल्स। अगर मैं 100 पिक्सल्स हाइट कर देता हूँ,
तो हम लोग का कुछ मतलब डोर टाइप आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा, पहले तो पोजीशन इसको हम लोग दे देते हैं एब्सोल्यूट, और टॉपर वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे तो हम लोग को दिख जाएगा। तो उसका कलर एकदम विंडोज़ की तरह मैच कर रहा, तो यही है हमारा, तो यही मैं कलर सेव करता हूँ और यहाँ पे रीलोड करते हैं। ठीक है, तो हमारा डोर यहाँ पे कुछ आ गया और ये छोटा है, और मतलब विंडोज़ से छोटा है, तो हम लोग को थोड़ा बड़ा करना होगा इसको। जैसे कि अगर मैं इसको 100 करता हूँ, ठीक है, तो इसको 100 किया तो नहीं चलेगा, तो हम लोग 80 करके देख सकते हैं। ठीक है, 80 भी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, 60 करना होगा। ठीक है, तो 60 मेरे को लग रहा है, और हाइट भी बढ़ानी होगी हमको, तो हाइट अभी मैं कर देता हूँ 150। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इधर डोर जैसा लग रहा है, और पहले हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो एकदम अच्छे से दिखेगा हमको। तो यहाँ पे हम लोग टॉप ले लेते हैं 30%, और लेफ्ट ले लेते हैं 30%। ठीक है, तो हम लोग का कुछ यहाँ पे आ गया। ऐसे ही मैं भी लेफ्ट 40 कर देता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट 40 कर दिया और मैंने, और इधर भी हम लोग 40 कर देंगे। ठीक है, तो 40 की जगह हम लोग कर देते हैं इसको 45 50 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 50 में एकदम अच्छे से लग रहा है। अभी डोर में हम लोग का क्या प्रॉब्लम है कि विड्थ थोड़ा बड़ा करना होगा, तो विड्थ 100 ही करके मतलब 80 कर देते हैं। और ठीक है, तो 80 मैंने विड्थ कर दिया, और जो टॉप पे वहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ, क्योंकि मतलब यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, अगर मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पे देखो वो स्पेस चला गया। और इसको ही हम लोग को थोड़ा साइड डालना है, जैसे कि मतलब इसको मतलब मैं क्या करूँगा 38 कर दूँगा। 38 ज़्यादा हो गया, तो हम लोग 9 ही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया, और अभी हम लोग का जो मतलब हाउस है वो आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। और ये क्या है, यहाँ पे जैसे कि विंडोज़ थोड़ा ऊपर है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे विंडोज़ एकदम सेम लेवल के हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हम लोग के डोर है उसको हाइट बढ़ा दूंगा, नहीं तो जो विंडोज़ 1 और 2 है उसको मैं टॉप 1 दे दूंगा। अभी सेव करके देखता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका साइज मतलब हाइट भी एकदम सेम हो चुका है, और हमारा एकदम हाउस ऐसा दिख रहा है एकदम इसकी तरह। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो हम लोग का डोर का जो मतलब लॉक होता है, मतलब जो जिससे हम लोग अंदर जाएंगे वो हम लोग को डालना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाऊँगा मैं और विंडोज़ के नीचे, नहीं तो डोर के यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा डोर हैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास करता हूँ, नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो डोर है उसके अंदर मैं डोर हैंडल डाल दूँगा। तो यहाँ पे डिफ क्लासेस का होगा हमारा डोर डैश हैंडल। ठीक है, क्योंकि डोर के अंदर ही होता है, मतलब डोर के साथ ही होता है हमारा हैंडल। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए डॉट डोर, उसके अंदर डॉट डोर डैश हैंडल। ठीक है, हैंडल ये मैंने किया, इसको हम लोग ओपन करते हैं स्पेलिंग हाँ राइट है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो विड्थ है हम लोग को कर देते हैं 50 pixels, और जो हाइट भी है वो भी कर देता हूँ मैं 50 pixels, और जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा कुछ मतलब एक वाइट जैसा ही है, तो जो मैंने इसको वाइट मतलब दिया हुआ है तो वाइट ही लेते हैं। सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आ गया है, और ऐसा लग रहा है कि मेरा डोर ही हो चुका है, लेकिन क्लोजली देखोगे आप तो मेरा डोर नहीं हुआ है, वो हम लोग का वहाँ पर आ गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस जो है वो दे देंगे। तो बॉर्डर रेडियस अगर मैं 50% देता हूँ, यहाँ पे देखो सर्कल हो गया, और 50 pixels ज़्यादा ही है तो 30 देते हैं। ठीक, तो 30 भी ज़्यादा हो गया, 20 देता हूँ, और 20 एकदम अच्छा होगा। सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, यहाँ पे देखो 20 हमारा आ गया है, और इसी के हम लोग इसी के साथ हम लोग को यहाँ पे पोजीशन पहले इसको एब्सोल्यूट देना है। तो ये हमारा इधर है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टॉप जो है वो मैं दे दूँगा 30%,
अभी ये डोर के हिसाब से 30% जाएगा, मतलब जो टॉप है हमारा वो जो डोर का 30% है उसके हिसाब से जाएगा, तो वैसे ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 40% करता हूँ तो डोर का 40% ये है और हम लोग का मतलब सेंटर में एकदम, तो 50% चेक करते हैं, 40% ही ठीक है, नहीं तो 45 कर देंगे। और यहाँ पे जो लेफ्ट है वो मैं दे दूंगा लाइक 70%। 70% क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब एकदम एंड पे है, और यहाँ पे देखो एकदम एंड, एकदम मतलब प्रॉपर आ गया है। अभी बस क्या करना है, जो हम लोग का डोर हैंडल है वो थोड़ा दूर है तो हम लोग इसको कर देंगे 60, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया और ये इतना हम लोग ने कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये जो है हमारा ये करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा, यहाँ पे कुछ शेड है तो वो शेड नहीं है बेसिकली, यहाँ पे ये जो मतलब ये जो हम लोग का मतलब ये जो ये है वो है ना थोड़ा ऊपर किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई शेड दिया हुआ है उसके नीचे। तो वो कुछ नहीं करना है इसको, बस ये पहले हम लोग को है ना एक लाइन बनानी है और उसको मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ करके वैसे हम लोग कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हाउस है उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ हम लोग टॉप सेक्शन लिख देते हैं, क्योंकि मेरे को उसका नाम नहीं पता, तो टॉप सेक्शन लिख देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मतलब बेसिकली छत है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग बस इसको पहले तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे डॉट टॉप सेक्शन, तो यहाँ पे रूफ दे देते हैं, ठीक है। तो याद आ गया मुझे, और रूफ दे देता हूँ मैं रूफ, और इधर भी हम लोग कर देंगे रूफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रूफ दे दिया, और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूफ देने के बाद मैं क्या करूँगा, ये हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग है ना विड्थ दे देते हैं, तो विड्थ यहाँ पे इसकी हो जाएगी 40 पिक्सल, नहीं तो 50 पिक्सल्स, और जो इसकी हाइट है वो हो जाएगी 100 पिक्सल्स। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग रेड की तरह दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और ये जैसे कि ये वाला रेड टाइप है तो ये दे देते हैं, और सेव करता हूँ मैं, और मैं चेक करता हूँ तो वो कहाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ गया है, और ये कुछ मतलब ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे बस इसकी हाइट बड़ी है तो हम लोग कर देंगे 300, ठीक है। तो 300 हो गया है, और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, मतलब पहले तो है ना यहाँ पे हम लोग कम कर देते, 30 कर देते हैं, ठीक है। 30 मैंने कर दिया और एकदम अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे ट्रांसफॉर्म, और इसको हम लोग कर देंगे ट्रांसलेट, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ना पोजिशन जो है वो एब्सोल्यूट दे देते हैं, और ये हम लोग जो करेंगे मतलब टॉप देंगे, तो टॉप हम लोग बस 40% देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ आ गया, और यहाँ पे मैं 30% दे देता हूँ। फिर ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट अभी नहीं देता, हम लोग ट्रांसफॉर्म होने के बाद दे देते हैं, ठीक है। ये दे दिया, लेकिन मतलब थोड़ा सा लेफ्ट देते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर लेफ्ट नहीं देंगे लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट दे देंगे, जैसे कि 20%, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको टेढ़ा करेंगे। तो टेढ़ा कैसे करना है, ट्रांसलेट नहीं तो हाँ रोटेट कर सकते हैं, मैंने ट्रांसलेट डाल दिया, तो रोटेट करना है हमको, रोटेट, ठीक है। तो रोटेट है, रोटेट रोटेट यहाँ पे हम लोग कर देते हैं -20 डिग्रीज डेग, मतलब यहाँ पे -20 डेग लेफ्ट, मतलब यहाँ पे किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया है। तो अगर मैं 20 कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर देंगे, और इसको हम लोग अभी 30 कर देते हैं, सेव करते हैं, और फिर 40 कर देता हूँ मैं, 50 कर देते हैं, 50 नहीं तो 60, ठीक है, 50 प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, टॉप इसका हम लोग अगर 25 कर दे तो एकदम सही रहेगा, और ठीक है 25 कर दिया, और इसी को अगर मैं 40 कर देता हूँ,
और ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है और इसको मेरे को क्या करना होगा, थोड़ा ऊपर लेना होगा, तो हम लोग इसको ऊपर 20 से कर लूँगा, ऊपर आया, और ऊपर लेना होगा, लाइक मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया था, ठीक है, तो 10 करता हूँ मैं, नहीं तो 15, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, और ये जो हम लोग का ये है, थोड़ा और ये करना होगा, तो 55 देखता हूँ, ठीक है, तो 55 नहीं है, 52, ठीक है, तो 52 एकदम मतलब ऐसा वाला आ रहा है एकदम ऐसा, और इसी को हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे भी क्या करना है, बस ये जो है ऐसा करना है, तो ये हम लोग ये इसको मैं पहले तो हाइट 250 कर देता हूँ, 300 कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे, ठीक है, हाइट मैंने 250 कर दी, नहीं तो हम लोग कर देंगे इसकी हाइट 260, ठीक है, तो 260 मैंने हाइट कर दी इसकी, और अभी हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब ये जो है इसको हम लोग बस, तो अभी मैंने क्या किया, मतलब रोटेट करके मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, और ये हम लोग मैंने बस क्या किया यहाँ पे, बस इसका जो टॉप 19 कर दिया, और जो लेफ्ट है वो 38 कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया है, और ये हम लोग एकदम पास आ गए हैं, तो अभी मेरे को क्या करना है, ऐसा ही हम एक ये बनाना है, दूसरा बनाना है, तो यहाँ पे मैं रूफ ये बन गया है, तो अभी हम लोग कर देते हैं इसको रूफ 2, रूफ, ठीक है, तो पहले हम लोग कर देंगे इसको रूफ 2, और ये जो रूफ 2 है ऐसे ही होगा बस, मतलब जो ओके हाँ ठीक है, तो जो रूफ 2 है वो हम लोग रूफ 2, तो रूफ 2 हमारा ऐसे ही मतलब आ गया है उसके ऊपर, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको बस ट्रांसफॉर्म माइनस में कर देंगे, इतना रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसका उल्टा हो जाएगा, और वैसे ही अगर मैं इसका जो लेफ्ट है वो अगर मैं 40 कर दूँ, नहीं तो 50 कर दूँगा, तो वो अपने आप मतलब हो जाएगा, तो 50 किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है, अभी वैसे ही हम लोग को यहाँ पे अगर मैं 55 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 55 करने के बाद कुछ ऐसे हो गया, अभी हम लोग का मतलब हाउस क्या करना है, बस थोड़ा सा ही चेंजेस करना है, तो वो चेंजेस मैं करता हूँ अभी यहाँ पे, अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये जो लेफ्ट है वो चेंज कर देते हैं, जैसे कि 58 करते हैं, नहीं तो 52 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का ऐसा हो चुका है, और अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब इतना प्रॉपर हो चुका है हम लोग का, और थोड़ा सा ही चेंजेस करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो मतलब लेफ्ट है वहाँ पे अगर 0.5 डाल दे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.5 डालने के बाद एकदम प्रॉपर हो चुका है हमारा, एकदम सही लग रहा है, और ये हम लोग ने बस HTML और CSS के साथ बनाया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन ऐसे ही हम लोग अगर इतना मतलब हम लोग ने बना लिया HTML और CSS के साथ, या हम लोग ने मतलब ड्राइंग कर ली अपनी, और हम लोग ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं बहुत कुछ, तो आज हम लोग ने ये बनाया, और वो भी हम लोग ने बनाया HTML और CSS के साथ, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।